हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज के इस नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आज दिन की शुरुआत हो रही है, मतलब मैं नहा के रेडी हो गई हूँ और अब मैं बना रही हूँ श्रीजा के लिए नाश्ता, मतलब टिफिन में जो उसको देना है वो बना रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ आज मैं बना रही हूँ श्रीजा के लिए अप्पे, और वो भी मूंग दाल के। तो इसमें है छिलके वाली और बिना छिलके वाली दोनों मूंग दाल, जिसको मैंने रात में भिगा के रख दिया था और अब इसको मैं पीसूंगी। तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा अदरक लहसुन और हरा धनिया खूब सारा। तो अदरक लहसुन और हरा धनिया इन तीनों को हम पीस लेंगे, और ये वाला जो पेस्ट है ये जाएगा मूंग दाल के पेस्ट में। एक बैच हमने इसको ग्राइंड कर लिया और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है, बिना पानी के पीसा है। और ये ऐसा दिख रहा है कि इसमें हरा धनिया और अदरक लहसुन भी डला हुआ है। अब सेकेंड बैच मैं यहाँ पर ग्राइंड करूँगी। तो ये दाल जो थी हमारी वो पिस चुकी है, और अब इसमें हम डालेंगे हिंग, थोड़ा सा जीरा और सौंफ, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी हल्दी, एक जीरा पाउडर, तो थोड़ा सा ही डाल दिया। ये एक गाजर है, इसको मैं ग्रेट करके डालूंगी। तो ये एक गाजर भी था जो इसको मैंने ग्रेट कर लिया। अब इसको हम मिक्स करते हैं और बनाते हैं अप्पे। तो ये हमारा बैटर रेडी है। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा सोडा, पैन भी चढ़ा दिया है, थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। तो इसमें हम डालेंगे मूंग दाल का बैटर। इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा थोड़ा सा ऑयल, और अब इसमें थोड़ा सा थोड़ी सी राई डाल देंगे। और अब इसमें जाएगा बैटर। अब इसको हम ढक देते हैं, थोड़े से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, फिर इसको पलटा देंगे। अब हम इसको पलटा देंगे। तो ये रेडी है अब श्रीजा के टिफिन में जाने के लिए। आप भी ट्राई करना, क्योंकि ये बहुत हेल्दी है। आप चाहे तो इसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, लेकिन बच्चे खाते नहीं है इसलिए हमने गाजर ही डाला है। और हमारे लिए अगर बनाना है तो हम प्याज, शिमला मिर्ची, टमाटर वगैरह सब कुछ डाल सकते हैं। तो एक बार ट्राई ज़रूर करना इसको। देखो ये स्कूल जाने के टाइम पर ढोलक बजा रही है। चल ना बेटा, देर हो रही है अपने को। ओए शिजू, शिजू चल ना बेटा। श्रीजा, ये ढोलक बजाने का टाइम थोड़ी ना है, चल जल्दी चल। ये स्कूल जाने के टाइम पे ढोलक कौन बजाता है? चल जल्दी चल, उतर नहीं। चल जल्दी प्रणाम करो भगवान जी को। दादी को बोल दे आती हो दादी, जय श्री कृष्ण कर दो। इधर बाबा को, बाबा को, बाप इधर 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 इधर। चलो चलो
चलो जीजी को बोल दे आती हूँ मैं बेटा, आ रही हूँ, जीजी को छोड़ के आती हूँ। ओके बोलो, ओके बोलो, ओके। तो ये श्रीजा गाड़ी पे चढ़ चुकी है। ऐसे कमर ऐसे तो अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट, और मार्केट इसलिए जा रहे हैं क्योंकि शिवी के कान में हमको बालियां डलवानी है। अभी तक उसके हाथ उसके कान में टॉप्स चले थे, तो एक टॉप्स उसने गिरा दिया है, तो इसलिए हम उसको उसके कान में बाली डलवाने के लिए जा रहे हैं। तो दिखाते फिर शिवी रोती है कि नहीं रोती है। तो हम लोग गए थे मार्केट, लेकिन हमको याद ही नहीं रहा कि आज गुरुवार है, तो हमारा कुछ भी काम नहीं हुआ है और हम ऐसे ही वापस आ गए घूम के, है ना शिवी। अब हम जाएंगे संडे को, है ना, संडे को जाएंगे मार्केट, तो फिर शिवी के कानों में बालियां डलवा देंगे, है ना शिवी, है ना। बाय बाय नहीं बोलो, हाय बोल दो, ओके। तो शाम का समय हो रहा है और खाने में क्या बनाए समझ नहीं आ रहा, क्योंकि रोज़ दाल चावल खिचड़ी खा के भी बोर हो जाते हैं, तो ज़्यादा इच्छा भी नहीं थी खाने की। फिर सोचा कि थोड़े से पोहे बना लेते हैं, वैसे तो पोहे बनाना सबको आता ही है, तो क्या ही दिखाऊँ इसमें। तो बस अभी प्याज और हरी मिर्ची फ्राई हो रहे हैं, फिर अब इसमें हम डाल देंगे आलू और मटर। तो ये अब आलू और मटर थोड़ा सा तो गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, तब तक हम इसको पकाएंगे। तो ये पोहे हमारे रेडी हो गए हैं, इसके बाद में कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी। तो आज के इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर तो सभी करें। बाय।